फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बसंत पंचमी स्पेशल मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी घर में ही पड़ी हुई चीजों से। ना झारा लगेगा, ना ही कोई चलने लगेगी, ना ही कोई चीज खरीद कर आएगी, जो घर में आप सभी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोतीचूर के लड्डू बनाना। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी ये लिया है बेसन, नॉर्मल बेसन है ये जो घर में आता है। तो इसको मैं छान लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेसन छान लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको घोल बना लेती हूँ। मैंने एक कटोरी ही पानी लिया है, जिससे मैंने बेसन नापा है उसी से मैंने पानी लिया है। तो इसका घोल बना लेते हैं। बारीक से बूंदी बहुत अच्छी आती है अगर बारीक बेसन है। तो इसको फेंटना अच्छे से है, जब ये गाढ़ा हो तभी इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए फेंट लें। और इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है। तो अभी ये है गाढ़ा, देखिए। तो अभी इसमें और पानी डालूंगी मैं। अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, घोल ऐसा होना चाहिए। तो एक कटोरी में से पानी मेरा इतना बचा है, देखिए एक घूंट पूरा लग गया है, क्योंकि नॉर्मल बेसन है ये। तो नॉर्मल बेसन में थोड़ा बराबर का ही लग जाता है पानी। अब ये देखिए, जब मैंने बना के तैयार किया है घोल, तो मैं इसे कच्ची से इसे चमची से डाल रही हूँ। देखिए ऐसा बैटर होना चाहिए। और ये कोट कर रहा है, पतली वाली कोट बन रही है देखिए। तो पानी कितना लगा वो आप मत देखिए, आप देखिए ये कि कच्ची से हम जब डाल रहे हैं नीचे, तो ये कोट बन रही है और ये इधर कोट बन रही है, पतली सी, ज्यादा गाढ़ी वाली नहीं। तो ये परफेक्ट है, ऐसा घोल होना चाहिए बूंदी के लिए। तो ये बन गया है, अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ये केसर फूड कलर, बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 पिंच से भी कम। ये कलर सेफ है इसीलिए मैं डाल रही हूँ, कोई हार्ड जो मतलब जो नुकसान देता है वो कलर मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। ये खाने वाला ही कलर है, तो घोल लेते हैं इसको। और आप स्किप भी कर सकते हैं, आप ये आप अगर आपको अच्छा लगे तो डालें, वरना स्किप कर दें। केसर भी डाल सकते हैं आप कलर डाल के। देखिए ये कलर आ गया है, और ये कलर सेफ है। हलवाई लोग भी जब लड्डू बनाते हैं तो वो भी कलर का इस्तेमाल करते हैं, बट वो ज्यादा तादाद में करते हैं, बट मैंने वो थोड़ा सा ही डाला है। तो परफेक्ट हो गया है, अब आगे की तैयारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई रख दी है मैंने, और मैं लगा रही हूँ इसमें ऑयल। गैस स्लो रखनी है बिल्कुल। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं इसमें ऑयल कितना लगाऊंगी ये बूंदी झाड़ने के लिए। एक कटोरी लगा दिया है मैंने, जिससे बेसन नापा उसी से नाप रही हूँ। एक कटोरी और लगा दिया, देखिए, और आधा कटोरी और लगाऊंगी। टोटल लगा रही हूँ मैं 2.5 कटोरी, बस इतना परफेक्ट है। और मैं बना रही हूँ ऑयल में, आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, देसी घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। बट मैं इसको मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि मैं देसी घी वाला स्वाद भी लाऊंगी। देसी घी का स्वाद कैसे लाना है वो आप फॉलो करते रहिए मुझे, मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दूध की थैली में डाली है, ये है दूध की थैली। तो इसमें थोड़ा सा कट लगाऊंगा, बहुत थोड़ा सा,
बस बहुत थोड़ा सा कट लगाया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब ये करना है, इस तरीके से हमें हिलाते हुए ऐसे करके डालना है बस। अब इस बूंदी को झाग कम होने तक मुझे पकाना है। तो बूंदी आप झाग रहे हैं उस टाइम पे गैस स्लो होनी चाहिए, देखिए कितनी बड़ी बड़ी एकदम बूंदी आई है, देखिए फ्रेंड्स। मैं दिखा रही दूध की थैली से, उससे आप परफेक्ट बूंदी झाग पाएंगे। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। वैसे निकाल लेती हूँ, और थोड़ा बहुत मोटी या छोटी या पतली आए उससे कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाने तो है ना लड्डू, मोटी हो या पतली हो बूंदी 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 होती है। तो फ्रेंड्स एक बार और दिखा रही हूँ मैं आपको, तो जब आप फिर से अगर आप बनाने जा रहे हैं बूंदी तो इसको हिला लें, जिस थैली में आपने डाला है उसको हिला लें अच्छे से, और फिर उसको बूंदी डाल दें, और ऊपर से मतलब थोड़ा ऊंचाई पर रहना चाहिए। देखिए बूंदी, देखिए आप कितनी परफेक्ट बूंदी आई है, देखिए देखिए फ्रेंड्स एकदम आए ना मोती जैसे, देखिए। तो आप भी ऐसे बनाना घर में, गैस स्लो ही रखनी है, पहले प्रीहीट 4.5 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें स्लो गैस पर। तो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ बूंदी, देखिए ऐसे ये बना रखी है और अब ये बन रही है, बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बूंदी बनकर रेडी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हुई है ना, देख बनी है ना, देखिए बहुत ही बड़ी बनी है। तो मैंने सिर्फ ये दूध की थैली से ही बनाई है, आपको मैंने दिखाया है दूध की थैली से बनाई है, बहुत ही बढ़िया बूंदी आई है एकदम से। अब इसके मोतीचूर के लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे, तो आगे का प्रोसेस करते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स अब बना लेते हैं चाशनी। तो ये देखिए एक कटोरी से थोड़ा कम है, जिससे बेसन नापा उसी से नाप रही हूँ, तो ये है 1/4 कटोरी चीनी। और आधा कटोरी में पानी डाल देंगे, उसमें गैस ऑन कर देते हैं, चला लेते हैं। तो चाशनी भाई हमें चिपचिपी बनानी है, एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए। इसमें भी चाशनी में भी मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर फूड कलर। तो देखिए ये एक पिंच कलर में, सिर्फ एक पिंच कलर डालूंगी, ज्यादा बिल्कुल नहीं।
तो फ्रेंड्स बसंत पंचमी है तो पीला खाना बनता है, पीला भोग लगता है माता सरस्वती के लिए, तो इसीलिए थोड़े पीले लड्डू हमें बनाने हैं। मैं सिर्फ चुपचुपी से बनानी है चाशनी, चीनी घुलने तक मैं ऐसे पकाऊंगी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स चुपचुपी हो गई है चाशनी, सिर्फ चुपचुपी होने तक ही पकाना है चाशनी को। अच्छे से चुपचुपी हो गई है, एक तार दो तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स हरी इलायची का पाउडर, ये 5 से 6 इलायची का पाउडर है। तो स्लो कर देनी है गैस इस टाइम, और अभी बूंदी मैंने छान रखी है, ये बूंदी मैं इसमें डाल देती हूँ। मिक्स कर लेते हैं और इसको जब बूंदी गल जाए तब तक हमें पकाना है, गल जाए बस बूंदी तब तक इस चाशनी में हमें पकाना है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए रख देती हूँ, बस 2 मिनट हो गए हैं, मैं देख लेती हूँ कैसी है। परफेक्ट हो गई है, देखिए फूल गई है एकदम से, सारी चाशनी इसने ऑब्जर्व कर ली है, तो ये परफेक्ट है इस टाइम, देखिए एकदम से फूल गई है। तो लास्ट में अब आपको दिखाने वाली हूँ कि तो इस टाइम पर डालूंगी मैं इसमें देसी घी 2 चम्मच, देसी घी का स्वाद भी आ जाएगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपका और साथ मिलेगा आपको देसी घी वाला। तो ये है ट्रिक, देसी घी ये स्वाद वाली ट्रिक। तो देखिए बस है ना कितना अच्छा तरीका ये। बस गैस कर देते हैं स्टैंड पे बंद, अब बांध लेते हैं, बना लेते हैं लड्डू। आप अपने मन के हिसाब से बड़े छोटे लड्डू आप बना सकते हैं। हाथ पे चिपकेगा भी नहीं क्योंकि घी पड़ा हुआ है इसमें अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स ऐसे लड्डू बनना है, मैं लड्डू बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब। तो फ्रेंड्स देखिए मैं लड्डू को तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए बनाया ना कितना एकदम सॉफ्ट और रसीला जूसी हो रहा है एकदम से, देखिए कितना जूसी है देखिए। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी को ट्राई जरूर करना। देखिए फ्रेंड्स मोतीचूर के लड्डू बनकर रेडी है, अब मैं इनकी गार्निशिंग कर देती हूँ पिस्ता और बादाम से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पिस्ता से कर दी है, अब बादाम भी लगा देती हूँ। जैसे स्वीट पे लगाते हैं ना बारीक बारीक करके पिस्ता, वैसे ही मैंने बारीक बनाए हैं और वही मैं उनको रूप देने की कोशिश कर रही हूँ, सॉफ्ट वाला जैसे मार्केट से आती है मिठाई। बारीक बादाम बारीक पिस्ता लगाते हैं लड्डुओं पर।
तो देखिए फ्रेंड्स गार्निशिंग भी कर दी है लड्डुओं की। तो देखिए फ्रेंड्स गार्निशिंग भी हो गई है लड्डुओं की। देखिए तो बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं। देखिए लग रहे हैं ना एकदम जैसे बाजार से आए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करना, मोतीचूर के लड्डू जरूर बनाना बसंत पंचमी पर। तो फ्रेंड्स और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।